Subscribe to Easy Engineering Studies and click the bell icon to receive the latest update on all videos. Hello friends, welcome back to another video. ये linker and loader का next example है. ये type 2 example है जो है multiple segment. इसके पहले हमने जो example देखे थे वो थे single segment के. इसमें programs दो segments में divided रहते हैं और इसे हमें individual solve करना पड़ता है. तो ये program भी हमें उसी तरह से solve करना है जैसे हमने इसके पहले दो example solve किए थे. सिर्फ हमें इसके कार्ड जो है ESD TXT और RLD कार्ड जो है ये हमें इंडिविजुअल हर सेगमेंट के लिए बनाना है. तो प्रॉब्लम इस प्रकार दिया है, फॉर द फॉलोइंग गिवन प्रोग्राम शो द कंटेंट ऑफ ESD TXT RLD एंड ऑल्सो शो द कार्ड ऑफ गेस्ट एंड लिसा कार्ड. इसके बाद फिर हमें यहाँ पे प्रोग्राम दिया है जो कि दो सेगमेंट में डिवाइडेड है. सबसे पहले हम पहले सेगमेंट के लिए हम लोकेशन काउंटर फाइंड करेंगे. सबसे पहले दिया है स्टार्ट, ये क्या है सीडोप इंस्ट्रक्शन है. तो इसकी लोकेशन काउंटर वैल्यू नहीं रहेगी तो हम जीरो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो हमें जीरो से स्टार्ट करना है. उसके बाद फिर है एंट्री PGA1, तो ये भी सीडोप इंस्ट्रक्शन है तो ये जीरो हम कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे. उसके बाद EXTRN है तो ये भी क्या सीडोप इंस्ट्रक्शन है, इसकी भी लोकेशन काउंटर वैल्यू नहीं रहेगी तो जीरो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद देखिए DC एनकाउंटर्ड हुआ है तो सबसे पहले हम जीरो यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे हमें अलाइनमेंट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सामने क्या दिया है A PGA A PGB+4. तो A क्या है, ये 4 बिट होल्ड करता है और इसे यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑफ 4 या फिर मल्टीपल ऑफ 8 चेक करना है क्योंकि यहाँ पे दो में डिवाइडेड है इसलिए. तो आप कोई भी एक चेक कीजिए उसका लोकेशन काउंटर वैल्यू एक ही आने वाली है. तो यहाँ पे एक थोड़ी हमें ट्रिक यूज़ करनी है क्योंकि हमें इसको इंक्रीमेंट भी करना है फिर. तो वो इंक्रीमेंटल वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये हर ब्रैकेट 4 बिट होल्ड करता है तो हमें इसको पहले हमें मार्किंग करनी है 4 बिट की. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 से 3 कर देंगे और फिर इसको हमें 4 से 7 कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 4 बिट में डिवाइड हो जाएगा. उसके बाद फिर हमें इसे सेकंड इसको करेंगे 8 से लेके 11 तक के और फिर करेंगे 12 से लेके 15 तक के. तो अभी आपको मल्टीपल ऑफ 4 चेक करना है तो जैसे कि यहाँ पे 0 तो यहाँ पे ये 0 ही आएगा. उसके बाद फिर हमें इसको 8 से इंक्रीमेंट करना है क्योंकि ये 4 बिट और ये 4 बिट तो यहाँ पे 8 लिखेंगे क्योंकि ये फिर से डीसी एनकाउंटर हुआ है. लोकेशन काउंटर वैल्यू के लिए हमें अलाइनमेंट करना पड़ेगा तो हमने इसलिए 8 यहाँ पे लिखा है. तो फिर क्या दिया है PGA1-PGA फिर PGA2+PGA. तो फिर हमें यहाँ पे फिर से मल्टीपल ऑफ 4 या 8 चेक करना है तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8. उसके बाद फिर हमें इंक्रीमेंट करना है 8 से क्योंकि यहाँ पे फिर से 4 में डिवाइडेड है तो 4+4 8 और फिर से 8+8 ये हो जाएगा 16. तो 16 जो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि नेक्स्ट सीडोप इंस्ट्रक्शन है. उसके बाद फिर हम सेकंड सेगमेंट सॉल्व करेंगे. यहाँ पे क्या दिया, सबसे पहले स्टार्ट तो ये क्या सीडोप इंस्ट्रक्शन है तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर दिया है एंट्री, ये भी सीडोप ही है तो जीरो हम कंटिन्यू करेंगे. फिर से एंट्री है तो जीरो कंटिन्यू करना है. फिर EXTRN सीडोपी फिर जीरो में कंटिन्यू करना है. फिर क्या दिया है, फिर डीसी एनकाउंटर हुआ है तो जीरो हम पहले यहाँ पे लिख देंगे और फिर हमें फिर से अलाइनमेंट करना पड़ेगा. तो फिर से हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे तो सबसे पहले हमें लिखेंगे 0 से 3 और ये हो जाएगा 4 से 7, यानी 4 बिट में डिवाइड हो जाएगा. फिर से ये हो जाएगा 8 to 11 और फिर हो जाएगा 12 से लेके 15 तक के. और फिर क्या करना है, हमें अलाइनमेंट करना है. तो जैसे कि यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 ही रहेगी और फिर हमें इसको 8 से इंक्रीमेंट करना है तो ये 4+4 8 हो जाएगा. तो 8 हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डीसी एनकाउंटर्ड हुआ है और हमें इसके अलाइनमेंट करना है. तो यहाँ पे भी सेम 4+4 हमने डिवाइड किया है तो ये हमें मल्टीपल ऑफ 4 है 8 चेक कीजिए तो ये है मल्टीपल ऑफ 4 और 8 तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे. उसके बाद फिर हमें इसको इंक्रीमेंट करना है 8 से तो 8+8 ये हो जाएगा 16 तो 16 हम यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद हमें बनाना है ESD TXT RLD कार्ड. तो ये तीनों भी कार्ड आपको सबसे पहले PGA के लिए बनाना है और फिर आपको PGB के लिए बनाना है. तो सबसे पहले हम PGA के बनाएंगे तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे ESD कार्ड फॉर PGA. तो इसमें पैरामीटर जो हमें लिखना है वो है सिंबल टाइप ID नंबर रिलोकेशन एड्रेस और लेंथ. तो सिंबल के लिए आपको हमेशा पहले 3 इंस्ट्रक्शंस देखने हैं तो जो कि है CDOP. तो सबसे पहले क्या दिया है स्टार्ट तो साथ में एसोसिएटेड सिंबल क्या दिया है PGA तो हम यहाँ पे लिखेंगे PGA और फिर दिया है एंट्री और इसके साथ हमें एसोसिएटेड सिंबल लिखना है जो कि है PGA1 तो यहाँ पे लिखेंगे हम PGA1 फिर है EXTRN फिर दिया है PGB और फिर दिया है PGB2 तो ये हमें दोनों भी लिखना है सिंबल में तो यहाँ पे आ जाएगा PGB और फिर आएगा PGB2. उसके बाद फिर हमें लिखना है टाइप तो स्टार्ट जो है वो हमेशा SD रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे SD. उसके बाद है फिर ENTRY एंट्री तो ये हमेशा रहेगा LD
उसके बाद है फिर extrn, तो यहाँ पे दो सिंबल है तो दोनों भी क्या हो जाएगा, ये er होगा हमेशा। और अगर आपको ये टाइप मैंने कैसे एलोकेट किया है तो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ मेरा वो फर्स्ट वीडियो देखिए। और उसके बाद फिर हमें आईडी नंबर एलोकेट करना है, तो आईडी नंबर हम हमेशा एसडी और ईआर टाइप को ही हमें देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 01, उसके बाद हमें फिर दिया है एलडी, तो एलडी हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद दिया है फिर ईआर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 02, और फिर से ईआर है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 03। तो फिर हमें रिलोकेशन एड्रेस लिखना है, तो सबसे पहले क्या दिया है पीजीए, तो पीजी के हमें लोकेशन काउंटर वैल्यू लिखनी है, तो वो क्या है 0, कुछ नहीं है ना 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0। फिर दिया है PGA1, तो आपको PGA1 सिंबल लिखना है, और लोकेशन काउंटर वैल्यू है 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। फिर दिया है PGB, तो PGB की लोकेशन काउंटर वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर क्या है PGB2, तो यहाँ पे भी PGB2 का कोई सिंबल नहीं है, तो हम यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर हमें निकालना है लेंथ, तो लेंथ में आपको क्या करना है कि जो फाइनल जो लोकेशन काउंटर वैल्यू रहेगी वो आपको लेंथ में लिखना है, तो यहाँ पे क्या है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16, और बाकी हमें कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद हम बनाएंगे TXT कार्ड, तो TXT कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये वैल्यूज आपको देखनी है जो मैंने यहाँ पे ऊपर में लिखी हुई है, तो ये बेस पे आपको TXT कार्ड बनाना है। तो सबसे पहले क्या दिया है ए पी जी ए दिया है, तो आपको क्या लिखना है सबसे पहले 0 to 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 to 3। और फिर कंटेंट में आपको क्या लिखना है कि मुझे उसकी लोकेशन काउंटर की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे PGA की लोकेशन काउंटर वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फिर 0, और कमेंट भी क्या रहेगा 0। उसके बाद है फिर 4 to 7, तो ये क्या है ए पी जी बी प्लस 4, यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 to 7, और फिर कंटेंट क्या रहेगा कि आपको PGB की वैल्यू निकालनी है लोकेशन काउंटर प्लस 4, तो यहाँ पे PGB का कोई सिंबल ही नहीं है, तो हम उसको एज अ 0 कंसिडर करेंगे, प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंटेंट में 4, और कमेंट में लिखेंगे हम 0 प्लस 4। उसके बाद है फिर ए पी जी ए 1 माइनस PGA, फिर इसमें क्या हमने दिया है वैल्यू 8 to 11, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 to 11। फिर हमें इसका कंटेंट निकालना है, तो यहाँ पे देखिए PGA1 सिंबल की वैल्यू क्या दी है लोकेशन काउंटर में 8 दिया है, और PGA की क्या है 0, तो 8 माइनस 0 क्या रहेगा ये रहेगा 8, और फिर कमेंट में क्या लिखेंगे हम 8 माइनस 0। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिया है 12 to 15 हमने वैल्यू दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12 to 15, और फिर कंटेंट हमें निकालना है, तो फिर हमें PGB2 सिंबल लिखना है, तो यहाँ पे जैसे PGB2 है ही नहीं, तो हम इसको 0 लिखेंगे, और PGA1 की लोकेशन काउंटर वैल्यू क्या दी है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, कार्ड में लिखेंगे हम 0 प्लस 0। उसके बाद हम बनाएंगे RLD कार्ड फॉर PGA, तो RLD कार्ड हमेशा बनाने के लिए हमें इस तरह के हमें वैल्यूज़ देखनी है, जहाँ पे आपको ए ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज रहेगी आपको यही देख के आपको RLD कार्ड बनाना है, और साथ में आपको आईडी नंबर्स भी देखनी है उसकी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे पहले है 01, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 01, और सिंबल क्या है PGA, तो हम ये देखेंगे ए पी जी ए, तो इसकी लेंथ क्या रहेगी हमेशा 4 BT रहेगी, और ये क्या है ये पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे फ्लैग में लिखेंगे पॉजिटिव, और उसका रिलोकेशन एड्रेस क्या है वो है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0, और फिर क्या है आईडी नंबर 02, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 02, और साथ में क्या दिया है उसका सिंबल PGB, तो हमें यह फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन देखना है ए PGB प्लस 4, तो फिर इसकी लेंथ क्या रहेगी हमेशा ये 4 BT रहेगी, और फिर फ्लैग क्या रहेगा इसका ये है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस। उसके बाद फिर हमें रिलोकेशन एड्रेस निकालना है, तो यहाँ पे PGB का सिंबल देखना है, तो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिया है, तो हम इसको 0 कंसिडर करेंगे, प्लस 4 हो जाएगा। फिर हमें इसका रिलोकेशन एड्रेस निकालना है, तो इसके लिए आपको ये वाली वैल्यू लिखनी है जो मैंने यहाँ पे 4 to 7 असाइन किया है, तो सबसे पहले आपको वैल्यू ये लिखनी है, तो ये क्या है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद क्या दिया आईडी नंबर 03, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 03, और इसकी लेंथ हमेशा रहेगी 4 BT, और इसके साथ सिंबल क्या दिया है PGB2, तो हमें ये वाला इंस्ट्रक्शन देखना है ए PGB2 प्लस PGA, तो PGB2 का कोई सिंबल नहीं है तो 0 रहेगा, और फिर PGA की लोकेशन काउंटर वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो ये 0 प्लस 0 हो जाएगा, और तो यहाँ पे इसका फिर हमें लिखना है फ्लैग, तो फ्लैग क्या ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस, और हमें इसके भी रिलोकेशन एड्रेस फाइंड करना है, तो ये इसकी जो वैल्यू है सबसे पहली 12, तो वो हमें रिलोकेशन एड्रेस में लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12। अब उसके बाद बनाएंगे हम ESD कार्ड फॉर PGB, तो जो हमने सेकंड सेगमेंट सॉल्व किया था, तो उसके हमें सिम्बॉल्स हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, तो पैरामीटर क्या दिया है सिम्बॉल टाइप आईडी नंबर, फिर रिलोकेशन एड्रेस निकालना है, और फिर लेंथ निकालनी है आपको,
तो सिंबल में क्या आएगा, सबसे पहले कि जो भी सी डी ओ पी इंस्ट्रक्शन है उसके साथ सिंबल जो एसोसिएटेड है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, स्टार्ट के साथ क्या है पी जी बी, तो यहाँ पे लिखेंगे पी जी बी। फिर क्या दिया है एंट्री, तो सामने दिया है पी जी बी टू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी जी बी टू। फिर क्या है एंट्री पी जी बी वन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी जी बी वन। उसके बाद दिया है फिर ई एक्स टी आर एन पी जी ए वन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी जी ए वन। और हमें इसका फिर टाइप निकालना है, तो ये स्टार्ट दिया है सबसे पहले, तो ये हमेशा एस डी रहेगा स्टार्ट। फिर दिया है एंट्री, एंट्री हमेशा एल डी रहेगा, और फिर से एंट्री दिया है तो ये भी एल डी रहेगा, और फिर दिया है एक्स टी आर एन तो ये रहेगा हमेशा ई आर। और फिर हमें लिखना है आई डी नंबर, तो आई डी नंबर हमें सिर्फ एस डी और ई आर को ही अलोकेट करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 01, और फिर एल डी है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, और फिर ई आर को हम देंगे 02। फिर इसका हमें फिर रिलोकेशन एड्रेस निकालना है, तो सबसे पहले क्या दिया है पी जी बी, तो पी जी बी की लोकेशन काउंटर वैल्यू क्या दी है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0। उसके बाद फिर पी जी बी टू, तो आपको फिर यहाँ पे पी जी बी टू देखना है और उसकी लोकेशन काउंटर वैल्यू क्या दी है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8। उसके बाद फिर पी जी बी वन, तो यहाँ पे देखेंगे हम पी जी बी वन, उसकी लोकेशन काउंटर वैल्यू दी है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0। यहाँ पे दिया है पी जी ए वन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पी जी ए वन का सिंबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी एलोकेट करना नहीं है। फिर हमें इसकी लेंथ लिखनी है, तो लेंथ के लिए आपको फाइनल जो निकली है वैल्यू लास्ट, तो वो आपको लिखनी है, तो लेंथ यहाँ पे हो जाएगी 16, और बाकी हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद हम बनाएंगे टी एक्स टी कार्ड फॉर पी जी ए। फिर सेकेंड सेकेंड में हमें ये इंस्ट्रक्शन देखनी है, और ये सबसे पहले क्या दिया है ए पी जी बी वन माइनस 4, तो हमें इसके ऊपर जो हमने वैल्यूज दी है वो हमें लिखनी है, तो हमने क्या किया पहले सबसे पहले 0 to 3 लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 to 3। और फिर हमें कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट में क्या रहेगा पी जी बी वन की लोकेशन काउंटर वैल्यू रहेगी माइनस 4 रहेगा, तो पी जी बी वन क्या यहाँ पे 0 है माइनस 4, तो यहाँ पे कंटेंट क्या हो जाएगा माइनस 4, और कर्ण में लिखोगे आप 0 माइनस 4 क्योंकि हमने उसको सॉल्व किया है। इसके बाद है फिर ए पी जी ए वन, तो फिर हमने वैल्यू क्या दी है 4 to 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 to 7 यानी 4 बिट हमने एलोकेट किया है। फिर क्या दिया है ए पी जी ए वन, तो यहाँ पे पी जी ए वन का सिम्बॉल ही नहीं है, तो हम यहाँ पे कंटेंट में लिखेंगे 0 और कमेंट भी रहेगा 0। और फिर नेक्स्ट दिया हमने 8 to 11 हमने एलोकेट किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 to 11। और इसके बाद फिर हमें कंटेंट निकालना है, सबसे पहले हम पी जी बी टू की लोकेशन काउंटर वैल्यू निकालेंगे जो कि है 0 plus 4, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कंटेंट 4, और कमेंट में लिखेंगे हम 0 plus 4। और फिर दिए है 12 से 15 हमने एलोकेट किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम 12 to 15। और फिर हमें कंटेंट निकालना है, तो कंटेंट के लिए आपको पी जी बी वन की लोकेशन काउंटर वैल्यू देखनी है जो कि है 0 माइनस फिर से पी जी बी वन देखना है, फिर से क्या है वो 0 है, तो यहाँ पे कंटेंट क्या हो जाएगा 0, और कमेंट में लिखना है आपको फिर 0 माइनस 0। इसके बाद फिर बनाएंगे आर एल डी कार्ड फॉर पी जी बी, तो इसके लिए आपको पी जी बी का ई एस डी कार्ड देखना है जिसमें से आपको ई एस डी आई डी यूज़ करनी है, और साथ में आपको सेकंड सेगमेंट में से आपको इस तरह के इंस्ट्रक्शन देखने हैं जो कि ए ब्रैकेट दिया है, फिर ये देख के आपको आर एल डी कार्ड फॉर पी जी बी बनाना है। तो सबसे पहली आई डी क्या दी है 01, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 01। उसके बाद फिर उसकी लेंथ हमेशा रहेगी 4 बिट, तो फिर इसका फ्लैग क्या रहेगा ये रहेगा पॉजिटिव है ना, यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्योंकि ये पहले जो है ये इसके सामने दिया है प्लस। और फिर हमें इसका रिलोकेशन एड्रेस निकालना है जो कि है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0। उसके बाद फिर ई एस डी आई डी 02, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 02, और लेंथ हमेशा उसकी 4 रहेगी, और हमें उसका फिर फ्लैग निकालना है, तो यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस। और फिर हमें उसकी रिलोकेशन एड्रेस निकालना है, तो उसके लिए हमें ये पहली वाली देखनी है जो कि है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। उसके बाद हम बनाएंगे लीजा फॉर पी जी ए, तो इस आपको ई एस डी आई डी देखनी है ई एस डी कार्ड में से, और उसके फिर आपको सिम्बॉल लिखने हैं, और साथ में आपको फिर क्या लिखना है लोकेशन काउंटर की वैल्यू। पर लोकेशन काउंटर वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर से अलग से आपको लोकेशन काउंटर वैल्यू निकालनी है जो कि ये सीरियली रहेगी। इसमें हमने क्या किया, हमने पार्ट में हमने सेगमेंट डिवाइडेड थे और उसके हिसाब से हमने लोकेशन काउंटर वैल्यू निकाली थी, पर लीजा और गेस्ट निकालने के लिए आपको ये अलग से फिर से रफ में लोकेशन काउंटर बनाइए, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो लोकेशन पे वो हमें यहाँ पे लोकेशन पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले लोकेशन काउंटर वैल्यू क्या थी 0, तो हमें 0 वैसे के वैसे लिखेंगे, और फिर से क्या था 0 था तो हमें पे 0 लिखेंगे क्योंकि ये सीडोपी इंस्ट्रक्शंस थे, फिर से सीडोपी है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। उसके बाद फिर डिस एनकाउंटर हुआ था,
तो यहाँ पे भी जीरो था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो, और फिर उसकी हमने अलाइनमेंट निकल के हमने वैल्यू निकली थी एट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एट, और फाइनल वैल्यू थी 16, तो यहाँ पे रहेगा 16। उसके बाद फिर हमें ये कंटिन्यू करना है, तो फिर से यहाँ पे सीडो पी इंस्ट्रक्शन था, तो 16 हम वैसे के वैसे लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर से सीडो पी, तो ये 16 कंटिन्यू रहेगा, फिर सीडो पी 16, और फिर से रहेगा 16, और फिर से हम क्या कर देंगे यहाँ पे 16 कंटिन्यू कर देंगे। और फिर हमें यहाँ पे क्या किया था, अलाइनमेंट किया था हमें, फिर हमने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया था, तो यहाँ पे जैसे जीरो था तो यहाँ पे 16 आया है, और फिर हमें इसका मल्टीपल ऑफ 4 चेक करना है या फिर 8, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 16 हम वैसे के वैसे लिखेंगे, और फिर हमें इसको इंक्रीमेंट करना है, तो फिर इंक्रीमेंट कितना होगा, ये 8 से इंक्रीमेंट होगा, तो 16 प्लस 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और फिर से हमें मल्टीपल ऑफ 4 चेक करना है, तो जैसे हमने यहाँ पे 8 लिखा है तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 क्या आएगा, 24, तो ये बराबर है, तो ये 24 ही आएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर हमें इसको 8 से इंक्रीमेंट करना है, जो कि ये हो जाएगा 32। तो ये जो लोकेशन काउंटर वैल्यू बनाई है मैंने ऐसी इस तरह से ही है, वो कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैंने ये जो अलग से बनाया था ये मैंने कॉलम यहाँ पे नहीं बनाया है। तो एक्चुअली हमें ये सारी वैल्यूज लीजा और गेस्ट के लिए यूज़ करनी है लोकेशन में। तो सबसे पहले ESD ID दी है, PGM में क्या है 010203, तो ये हमें सारी यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 01, फिर था 02 और 03। इसका सिंबल जो है वो क्या है, PGA, तो यहाँ पे लिखेंगे हम PGA, और उसके हमें निकालना है फिर लोकेशन, तो इसकी लोकेशन क्या दी है यहाँ पे, वो है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0। फिर सेकंड ID थी 02, तो इसके साथ क्या है PGB, तो यहाँ पे लिखेंगे हम PGB, और फिर हमें इसको निकालनी है लोकेशन, तो यहाँ पे उसकी PGB की लोकेशन क्या है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16। और फिर क्या दिया है PGB2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम PGB2, और उसके हमें फिर निकालना है लोकेशन, तो यहाँ पे PGB2 की लोकेशन क्या है 24, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 24। उसके बाद फिर हमें बनाना है लीजा फॉर PGB, तो इसके लिए हम फिर ESD कार्ड फॉर PGB देखेंगे, और इसकी हमें ID नंबर यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या दिया था हमने, 01 और 02 दिया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 01 और 02, और उसके हमें फिर सिम्बॉल लिखनी है साथ के, तो फिर क्या दिया था हमने PGB, तो यहाँ पे लिखेंगे हम PGB, और हमें उसकी फिर लोकेशन निकालनी है, तो यहाँ पे PGB की लोकेशन क्या है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16। फिर नेक्स्ट सिंबल क्या है PGA1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम PGA1, और हमें इसका फिर लोकेशन निकालना है, जो कि है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8। उसके बाद फिर हमें बनाना है गेस्ट कार्ड, तो गेस्ट कार्ड बनाने के लिए आपको SD और LD देखना है, तो हमने PGB और PGA में जो भी हमने SD और LD बनाए हैं वो सारे हमें सिंबल्स यहाँ पे लिखने हैं, और उसकी फिर साथ में हमें लोकेशन भी लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ESD कार्ड फॉर PGA, तो यहाँ पे देखिए SD और आपको देखना है LD, तो सबसे पहले क्या है PGA दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम PGA, और सेकंड फिर दिया था LD, तो इसका क्या है PGA1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम PGA1, और हमें इसकी फिर लोकेशन निकालनी है, तो PGA की लोकेशन क्या है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0, और फिर PGA1 की लोकेशन क्या है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8, और फिर इसके बाद फिर हम ESD कार्ड फॉर PGB देखेंगे। फिर इसके बाद फिर ESD कार्ड फॉर PGB में दिया है SD और 2 LD दिए है, तो सबसे पहले SD के साथ क्या दिया है PGB, तो यहाँ पे लिखेंगे हम PGB, और फिर नेक्स्ट दिया है LD के साथ क्या है PGB2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम PGB2, और फिर नेक्स्ट LD के साथ दिया है PGB1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम PGB1, और हमें इसकी फिर हमें लोकेशन निकालनी है, तो हमें फिर PGB की लोकेशन देखनी है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16। उसके बाद दिया है PGB2, तो PGB2 की लोकेशन क्या दी है 24, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 24, और फिर दिया है PGB1, तो यहाँ पे दिया है 16 लोकेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16। मल्टीपल सेगमेंट में हमें इसी तरह से हमें प्रोग्राम सॉल्व करने हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 सेगमेंट दिए, हो सकता है कि किसी में 4 सेगमेंट रहे या फिर 6 सेगमेंट रहे, तो हमें हर इंडिविजुअल सेगमेंट के लिए हमें 3-3 कार्ड्स बनाने हैं, और लास्ट में हमें फिर लीजा और गेस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल ये खत्म होता है, इसके बाद मैं और भी एग्जाम्पल्स बताऊंगा, सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।